नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इलमान खान। मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही सीएम मोहन यादव सुपर एक्टिव हो गए हैं। सीएम मोहन यादव ने बुधवार को शपथ लेने के फौरन बाद ही मंत्रालय स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में विधिवत पूजा अर्चना कर कामकाज संभाला है। कार्यभार संभालते ही मोहन यादव ने पहला आदेश भी जारी किया है। इस आदेश के तहत मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर की आवाज को नियंत्रित करने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों समेत अन्य जगहों पर लगाए गए अवैध लाउड स्पीकर्स पर बैन लगा दिया है। साथ ही जो वैध लाउड स्पीकर हैं, उन्हें भी तय डेसिबल सीमा और तय समय पर ही संचालित करने की मंजूरी दी गई है। शासन की तरफ से जारी आदेश की कॉपी भी सामने आई है। इसमें लिखा है कि सामने आया है कि अलग अलग धर्म स्थलों में निर्धारित डेसिबल का उल्लंघन करते हुए लाउड स्पीकर्स का प्रयोग किया जा रहा है। शोर से मनुष्य के काम करने की क्षमता, आराम और नींद में व्यवधान पड़ता है। शोर वाले वातावरण से हाई बीपी, बेचैनी, मानसिक तनाव, अनिद्रा जैसे प्रभाव शरीर में पाए जाते हैं। इससे कान के आंतरिक भाग में भी समस्या हो जाती है। यही वजह है कि अब इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। सीएम पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट की पहली बैठक की, जिसमें कई और अहम निर्णय भी लिए गए। इस बैठक में खुले में मांस बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करवाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाया गया। हर जिले में एक एक्सीलेंस कॉलेज खोला जाएगा, यानी कुल जिलों में 52 कॉलेज खोले जाएंगे। आदतन अपराधियों के लिए गृह मंत्रालय को मुख्यमंत्री ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर उनकी जमानत रद्द करना शुरू करें, यानी पहले दिन से ही अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम सीएम मोहन यादव ने शुरू कर दिया है। 22 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजेंगे। मोहन यादव सरकार ने फैसला किया है कि 22 जनवरी को अयोध्या की तरफ जाने वाले रास्तों पर जगह जगह राम भक्तों का स्वागत किया जाएगा। इसके पहले मोहन यादव शिवराज सरकार में शिक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने श्री रामचरितमानस को 2021 में कॉलेजों में वैकल्पिक विषय बनाने की घोषणा की थी। उन्हें कट्टर हिंदुत्व समर्थक माना जाता है, जिसकी झलक उनके फैसलों में नजर आ रही है। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए प्रदेश तक को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमें आप लाइक कर सकते हैं।